हेलो दोस्तों, स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के आईटी के अकॉर्डिंग अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि अपना यूनिट 3 भी चल रहा है, इसी में हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो होता है हमारे पास टेबल। तो डेटाबेस क्रिएट करना हम लोग देख चुके हैं, डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल्स बनाना देख चुके हैं, टेबल्स में हम लोग अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस भी देख चुके हैं। अब दोस्तों, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस को हम किसी के सामने नहीं रखें, उस डेटा में एंट्री करवाने के लिए हम लोग किसी को एक फॉर्म बना के दे दें। जैसे आप दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं, उस वेबसाइट्स में एंट्री करने के लिए, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, लाइक जोमेटो या अमेजोन या कोई भी टाइप की वेबसाइट्स, तो आपको क्या किया जाता है, एक फॉर्मेट दिया जाता है, एक बेसिकली एक फॉर्म दिया जाता है, जिस फॉर्म में आप कोई वैल्यू डाल के सबमिट करें तो आपका डेटा उनके डेटाबेस के टेबल में जाके स्टोर होता है, ना कि वो आपको आपको पूरी की पूरी टेबल ला के देते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप अपने डेटाबेस की जो टेबल है वो अपने यूजर के साथ शेयर नहीं करें, बल्कि आप उसको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करें जिसके थ्रू वो वहां से कुछ वैल्यू टाइप करे और वो वैल्यूज आपके टेबल के अंदर आकर के स्टोर हो सके, तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे दोस्तों, फॉर्म। और इसी तरीके से जब आप ये चाहते हैं कि हमारे डेटा के अंदर, यानी डेटाबेस के डेटा जो स्टोर पड़े हैं अपनी टेबल्स में, कोई पर्टिकुलर पर्सन उस टेबल को डायरेक्ट आके एक्सेस नहीं करे, लेकिन हम उसको वो डेटा प्रिंटेड फॉर्मेट में अवेलेबल करा दें, तो वो क्या कहलाएगा, रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम दोनों चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स की थोड़ी सी थ्योरी यानी कि उसकी डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सिमिलरली दोस्तों, पहले हम लोग रिपोर्ट्स की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और फिर उसको भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म। फॉर्म आखिर होता क्या है? जनरली अ फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर, जैसे कि आपको स्कूल में एक फॉर्म दिया जाता है जब आप एडमिशन लेते हैं, इसी टाइप से जब आपके नाइन्थ और टेंथ क्लास के, जब सीबीएसई के लिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तब भी आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप फॉर्म में एंट्री करते हैं। इसी टाइप से बहुत सारी जगह आपने अलग अलग टाइम पर फॉर्म फिल जरूर किया होगा, जो कि एक बेसिकली एक पेपर होता है, उस पेपर पे फॉर्मेट बना करके दिया गया, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी कुछ वैल्यूज या अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो जनरली अ फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर दैट होल्ड डिफरेंट ब्लैंक फील्ड्स इन विच यू फिल इन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका नेम क्या है, पापा का नेम क्या है, या आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप के फॉर्म में आपसे पूछी जाती है, तो वो आप फिल करते हो। सिमिलरली इन बेस अ फॉर्म होल्ड्स डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अ टेबल, तो आपके पास टेबल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के फील्ड्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, दैट यू यूज टू एंटर एंड मॉडिफाई द डेटा इन द डेटाबेस। तो आप डेटाबेस के अंदर भी, यानी कि बेस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, डेटाबेस के अंदर टेबल को यूज करते हुए आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अ टेबल इज अ लिंक्ड टू अ फॉर्म, जो आपने टेबल बनाई है वो दोस्तों टेबल आप अपने फॉर्म के साथ लिंक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, यूजिंग द फॉर्म यू कैन एड और एडिट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। आप यहां पर एक नया रिकॉर्ड एड कर सकते हैं या आप पहले से बने हुए किसी रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं। इट इज अ कन्वीनियंट एंड इंटरेक्टिव वे ऑफ एंटरिंग डेटा बट नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर एवरी डेटा एंट्री। जनरली अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो आपके पास फॉर्मेट है फॉर्म, वो आपके पास एक इंटरेक्टिव और कन्वीनियंट फॉर्मेट होता है, एक तरीके का आपके पास ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप इसमें डेटा की एंट्री इजीली कर सकते हैं, बट हर बार नहीं, क्योंकि कई बार कुछ डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको आप हर एक के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो वही यहाँ पर है कि जरूरी नहीं आप इसको हर बार यूज करें, बट नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर एवरी डेटा एंट्री, हर टाइप के डेटा एंट्री के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करेंगे, दिस इज यूजफुल व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट यूजर, जब आप अलग अलग यूजर्स के साथ काम कर रहे हैं, एंड डू नॉट वॉन्ट टू एक्सपोज योर कॉन्फिडेंशियल डेटा टू देम। अगर आपने एक टेबल बनाई और उस टेबल में बहुत सारे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप डायरेक्ट अपनी टेबल किसी के साथ शेयर नहीं करें, बल्कि आप क्या कर दें, एक फॉर्म बना दें जो उस टेबल के साथ कनेक्ट हो, आपके यूजर्स हैं जो फॉर्म के थ्रू अपने डेटा की एंट्री करा सके और वो डेटा आपके टेबल में आकर के स्टोर हो सके। ठीक है, अ फॉर्म कैन हैव डिफरेंट नेम, एक फॉर्म का जो नाम है वो सेम नेम भी हो सकता है जो कि टेबल का नाम हो, और एक डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, येट इट मैनिपुलेट्स द सेम इंफॉर्मेशन एंड डेटा एज द
कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल। तो आपका जो डेटा है वो बेसिकली फॉर्म के थ्रू टेबल में जाता है, दोनों का नाम सेम और डिफरेंट भी हो सकता है। इसी टाइप से इफ यू चेंज अ रिकॉर्ड इन अ फॉर्म, अगर आप फॉर्म के थ्रू अपने रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द टेबल ऑल्सो। बेसिकली फॉर्म जो है वो एक आपके पास टूल है जिसके थ्रू आप टेबल के अंदर के डेटा को लाते हैं या भेजते हैं। मतलब फॉर्म में लिखूंगा टेबल में जाएगा, टेबल में जो डेटा पड़ा है उसको मैं फॉर्म में देखना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं। बेसिकली डेटा जो है आपका टेबल में ही होता है, फॉर्म के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी टाइप से डेटा कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड एंड डिलीटेड फ्रॉम अ टेबल बाय यूजिंग द फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है फॉर्म आखिर आपके पास क्या होता है। इसी टाइप से फॉर्म कैन बी क्रिएटेड इन बेस यूजिंग द फॉर्म विजार्ड एंड डिजाइन मोड। तो आप दोनों तरीकों से अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। बेस के अंदर आप यहाँ पर विजार्ड भी यूज कर सकते हैं और डिजाइन मोड भी यूज कर सकते हैं। हमारे कोर्स में दोस्तों यहाँ पर है विजार्ड, तो हम एक बार विजार्ड के थ्रू पहले देखते हैं, देन उसके बाद हम डिजाइन मोड भी डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। हम यहाँ पे जाएंगे, लिब्रे ऑफिस बेस स्टार्ट करेंगे। जब हम लिब्रे ऑफिस बेस स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अपन को क्या चूज करना है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। ठीक है, तो आपके पास जो डेटाबेस है हमने यहाँ से कौन सा लेना है, एसएस, जो हम पहले बना चुके हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से एसएस को सेलेक्ट करता हूँ, मतलब स्कोरशाला। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, फिनिश। जैसे ही फिनिश करेंगे आपका डेटाबेस जो कि हम लोग पहले भी बना के देख चुके हैं वो अपना ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ हमको देखने हैं दो अलग अलग ऑप्शंस, एक देखेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर्म और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट। तो दोस्तों ये जो काम होगा वो किस पे होगा, टेबल्स पे। टेबल अपने पास यहाँ पर है दो अलग अलग टाइप की, एक है एम्प्लॉयज, एक है मार्क्स। तो मार्क्स जो है उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मार्क्स पे भी काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एम्प्लॉयज पे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे 101 और 102 दो एंट्री अपन यहाँ कर चुके हैं, इसी तरीके से यहाँ पर नेम, सैलरी, सिटी और कॉन्टेक्ट, ये भी आप यहाँ पर चाहें तो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहें तो मार्क्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के कुछ मार्क्स हैं। तो यहाँ आपको किस टेबल के अंदर डेटा की एंट्री करानी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, मार्क्स यूज कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह एंट्री हो चुकी है, 3-4 एंट्री हम लोग फॉर्म के थ्रू यहाँ करवाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे फॉर्म बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर डेटाबेस के जो चार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, इसमें मैं चूज करूंगा यहाँ से फॉर्म। फॉर्म पे जाऊंगा, दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है आपके पास डिजाइन व्यू और दूसरा है विजार्ड। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ विजार्ड पे। जब आप विजार्ड पे जाते हैं तो अलग अलग स्टेप्स आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फील्ड सेलेक्ट, आपको फील्ड कहाँ से लेने हैं, फील्ड कहाँ से लेंगे, जो टेबल में है। तो पहले तो आपको यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करनी है। इस डेटाबेस में दोस्तों अपने पास है दो टेबल, एक एम्प्लॉय और एक मार्क्स। तो आप यहाँ से कौन सी टेबल में काम करना चाह रहे हैं। सपोज दोस्तों मैं यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ, तो मार्क्स के अंदर भी आपको एंट्री कौन कौन सी करवानी है, वो सारे फील्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, और आप ऑप्शन से आप जितने भी लेना चाहें उसमें एंट्री हो जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक एक एंट्री करवा सकते हैं आप। इसको मैं वापस कैंसिल कर देता हूँ और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जितने भी आपके पास फील्ड है, कॉलम है, वो सारे आ जाएंगे। इसके बाद अपन यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ सिंपल सा काम था, टेबल और क्वेरी में से आपने टेबल सेलेक्ट कर ली है जो भी, और उसके फील्ड कौन से थे वो, ठीक है। उसके बाद है सेटअप अ सब फॉर्म। अगर आप एक सब फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। एड अ सब फॉर्म, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप चूज कर सकते हैं। मैं इसको नहीं लेता हूं, मैं यहाँ से सीधा क्या कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, जिससे कि हम यहाँ से सीधे पहुंच जाएंगे यहाँ अरेंज कंट्रोल पे। यहाँ पर आप जो फॉर्म देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके हैं, आप फॉर्म कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द मेन फॉर्म को ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉलम वाइज, तो आपको इस तरीके से दिखाएगा, जैसे रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपका फॉर्म ऐसा आएगा, आप एंट्री यहाँ पर कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जैसे एक कॉलम आपको यहाँ दिख रहा है 1, 2, 3, 4 और देन उसके आगे से 5, 6, 7, 8, इस तरीके से एक के पास एक कॉलम में आपको आपके फील्ड्स मिलती जाएंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों टेबुलर फॉर्मेट टाइप हो तो आप ऐसा इसको भी चूज कर सकते हैं जो कि टेबुलर था आपके पास। और ऐसे अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं, एक उसके पास, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इस तरीके से, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोस्तों चूज कर लेता हूँ अरेंजमेंट ऑफ द मेन जो अपने पास फॉर्म है उसमें ये वाला ऑप्शन, आप जो भी लेना चाहें अपन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शंस थे, आपको जो अच्छा लगे आप उसको चूज कर लीजिए। इसी तरीके से इसके बाद मैं करूंगा दोस्तों नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए अलाइनमेंट इसका क्या रखना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं।
आपको अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है कि राइट। तो अगर आप यहाँ से राइट करेंगे तो आप देखेंगे राइट साइड का अलाइनमेंट हो चुका है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो लेफ्ट साइड का, जो कि उसके लेबल की प्लेसमेंट है। तो ये जो लेबल है रोल नंबर, वो लेफ्ट साइड में दिखाना है कि राइट साइड में, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं करता हूँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा सेट डेटा एंट्री, यहाँ पर ये मुझे कुछ कंडीशंस पूछ रहा है। ये बोल रहा है देखिए सेलेक्ट द डेटा एंट्री मोड, पहले तो बोल रहा है दिस फॉर्म इज टू बी यूज्ड फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड। अगर आप यहाँ से ये चूज करेंगे तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि हम यहाँ पर एक नई एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो पहले की एंट्री हो चुकी है अभी तक वो अपन को यहाँ से नहीं दिखेगी। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लास के अंदर अगर मुझे कुछ एंट्रीज करनी है, ठीक है, सपोज मेरे को किसी टीचर ने कहा है कि आप यहाँ पर अपने नाम, एड्रेस, फोन नंबर ये सब डाल दीजिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये ऑप्शन अगर चूज करूंगा तो मैं इससे पहले कौन सी एंट्री हो चुकी है वो नहीं देख पाऊंगा, मैं केवल अपनी एंट्री जो कर रहा हूँ वही देख पाऊंगा। तो क्या लिखा है, द फॉर्म इज टू बी यूज्ड फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली एंड एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड। जो अभी तक हमने एंट्री कर रखी वो नहीं दिखेगी। आप चाहते हैं कि वो दिखे तो आपको क्या करना है, इस पे जाएं। अब इसमें भी क्या ऑप्शन है, द फॉर्म इज टू बी डिस्प्लेड ऑल डेटा, ऐसे करेंगे तो आप जो एंट्री करें वो और अभी से पहले जो एंट्री हो चुकी है वो भी आपको सारी देखने को मिलेंगी। अब अगर आपने पुरानी कोई एंट्री पे अगर आप देख रहे हैं, जैसे किसी आपके फ्रेंड्स का, आपके कलीग का कोई इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप उसको एडिट कर दे तो, या आपकी एंट्री जो आप अभी एंट्री करें कोई दूसरा पर्सन उसको चेंज कर दे तो यहाँ पर हम उस पर भी कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं। फर्स्ट है Do not allow modification of existing data. आप दोस्तों मेरा डेटा या मैं आपका डेटा देख तो सकता हूं लेकिन हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस किस में होंगे, जो हमारी एंट्री हो रही है बस उसी में, बाकी किसी दूसरों का हम डेटा सिर्फ देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली डो नॉट अलाउ डिलीशन, अगर आप ये चूज करेंगे इसमें क्या होगा, आपके पास आप डेटा देख पाएंगे लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आप ये चूज करते हैं साथ साथ में तो लिखा है डो नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, इससे क्या होगा कि आप किसी और का डेटा यहाँ से डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही डो नॉट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डेटा, आप यहाँ पर देख तो सकते हैं दूसरे जो भी एंट्रीज हुई है फॉर्म के थ्रू, लेकिन आप नया डेटा एंटर नहीं कर सकते। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे रहेगा, आप यहाँ से जो भी चूज करेंगे उसके हिसाब से काम होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो चूज कर लेता हूँ डो नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, इसी को, ठीक है, और डिलीशन वाले को भी हटा देता हूँ। देन इसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर स्टाइल्स आएगी, जैसे उसका कलर वगैरह जो भी। तो देखिए दोस्तों आपके पास अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग कलर है, आप यहाँ से एक एक करके उनको देख सकते हैं। मैं अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पर अप्लाई करके देख रहा हूँ, तो जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ से ये चूज कर लेता हूँ। अब इसमें जो फॉर्म है वो नो बॉर्डर का आएगा इस तरीके से। आप 3D लुक देना चाह रहे हैं, हल्का सा उसमें एम्बोज दिखेगा आपको, और फ्लैट रखना चाह रहे हैं तो फ्लैट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 3D लुक थोड़ा अच्छा लग रहा था, आप इसको चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों फॉर्म हमारा कंप्लीट बन गया, बस हम लोग क्या करेंगे अपने फॉर्म का एक नाम दे करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे बोलेगा आपके फॉर्म का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा भी था कि जैसे टेबल का नाम मार्क्स है तो आप टेबल के साथ साथ फॉर्म का नाम भी ये रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई दूसरा भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे मार्क्स एंट्री, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, अभी ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे बस फिनिश ही करना है। लेकिन इससे पहले देखते हैं लिखा है हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द फॉर्म, आप क्या करेंगे, वर्क विद द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म। तो मॉडिफाई तो हम लोग अभी भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम तो फिनिश करने के बाद इस फॉर्म में सीधे काम करना शुरू करना चाहते हैं। तो ये आपका फॉर्म था दोस्तों। फॉर्म पे जैसे ही आपने फिनिश कर दिया आपका फॉर्म रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे अलग। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला रिकॉर्ड था 10101 का, जिसका नाम था अविनाश। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है भावेश, उसके बाद है चंदन, उसके बाद है तुषार, उसके बाद है स्नेहा, भव्या, ऐसे अपन ने इसमें कुछ नाम ऐड कर रखे हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक और रिकॉर्ड की एंट्री करना तो आप यहाँ जाएं 10108 और आप इस पे कोई भी नाम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ नाम रख देता हूँ आसिम, और उसके जो मार्क्स हैं इस तरीके से दोस्तों मैंने इसमें एंट्री कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक और एंट्री करना चाहें तो न्यू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप यहाँ पर कर सकते हैं 10109। और यहाँ पर दोस्तों अपन यहाँ किसी स्टूडेंट का नाम रखना चाहते हैं तो मैं नाम रख देता हूँ सपोज कि यश, और यश के जो मार्क्स हैं वो अपने कुछ ये हैं, तो आप एंट्री भी कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आप पुराने रिकॉर्ड्स देख भी पा रहे हैं। तो देखिए आप अलग अलग बटन पे क्लिक करके वो सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप यहाँ देखें, जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट जाकर के देख रहा हूँ,
यहाँ देखिए एक ऑप्शन है आपके पास, वो है फाइंड। आप फाइंड करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करिए। रिकॉर्ड सर्च में बोल रहा है आपको कौन सा टेक्स्ट सर्च करना है। मुझे देखना है कि इसके अंदर कहीं पर सपोज कि स्नेहा नाम की स्टूडेंट है या नहीं। तो स्नेहा क्या है, रोल नंबर है, नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ये आपको बस पता होना चाहिए। तो ये स्नेहा जो टेक्स्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, सिंगल फील्ड में या ऑल फील्ड। ऑल फील्ड कहीं पर भी लिखा हो स्नेहा वो बता दीजिए, या सिंगल फील्ड में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं नेम वाइज, भाई नेम के अंदर कहाँ स्नेहा लिखा ये बता दीजिए, ठीक है, एवरीवेयर इन द फील्ड, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस जैसे अप्लाई फील्ड फॉर्मेट है, मैच केस होना चाहिए, सब कुछ सिमिलर, ऐसे कुछ आप तो बस दोस्तों सीधे सीधे क्या करें, सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड में आपको स्नेहा दिख रहा है। इसी टाइप से अगर आप दोस्तों चाहते हैं, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ भाविल नाम का स्टूडेंट है कि नहीं, आप देखेंगे क्या बोल रहा है, नो रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो रिकॉर्ड बोला है वो यहाँ आपको नहीं मिल रहा है। इसी टाइप से अगर मैं कहता हूँ भव्या है क्या, सर्च करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भव्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन यहाँ ए को हटा देते हैं सपोज, है ना, अगर अपन अब देखें तो अपने कोई ऑप्शन यहाँ देखने को मिल गया है। जैसे आपने एंट्री कर रखी है उस एंट्री को ये सर्च कर रहा है। आई होप आपको सर्चिंग भी दोस्तों समझ में आ चुका। रिकॉर्ड आप नेक्स्ट और बैक आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसी तरीके से ऑप्शन थे यहाँ पर, ठीक है। और भी आपके पास, आप यहाँ से अगर डिलीट करना चाहे, सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो ये सॉर्टिंग के ऑप्शंस भी हैं। जैसे आप यहाँ पर सॉर्ट करना चाहते हैं तो कौन से फॉर्म, मतलब वही सारे ऑप्शंस हैं जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, फॉर्मेटिंग या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे टेबल पे, उसमें भी ये सारे ऑप्शन हम लोग देख चुके थे कि टेबल को कैसे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं और दूसरे और भी फीचर्स। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग फॉर्म बना देते हैं, अब हम लोग चाहते हैं इस फॉर्म के अंदर कुछ और एडिटिंग करें। तो एडिटिंग कैसे करना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट करने का। राइट क्लिक पर अगर जैसे नहीं आया तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन और भी था एडिट करने के लिए, वो है फॉर्मेट। तो दोस्तों इसको एडिट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है, आप एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आप इस फॉर्म में काम कर रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको एडिट करने के लिए इसको बंद कर दीजिए और देन इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको फॉर्म मिल रहा है, जैसे आप फॉर्म में जाकर देखेंगे आपको आपका फॉर्म देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, इस पे राइट क्लिक कर दे और एडिट बटन पे जाके क्लिक कर दे। जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो एडिट मोड में दिखना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्मेट में जाए, फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिलता है जैसे कि पेज स्टाइल। आप इस पेज स्टाइल में आए, यहाँ आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपको मिल जाएगा पेज, पेज की साइज वगैरह, एरिया, ऐसे कुछ ऑप्शन। आप यहाँ पर चाहते हैं दोस्तों कि कलर में अपने हिसाब से कस्टमाइज करूं तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। आप जो भी फॉर्म पे कलर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं आप देखेंगे वो फॉर्म आपको यहाँ पर उस तरीके का बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ये जो नेम वगैरह आप देख रहे हैं, ये जो लेबल्स हैं, इन लेबल पे भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है इसको पर्टिकुलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे नेम या अनेबल्ड या विजिबल, ऐसे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं। अगर आप इसको नीचे करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो दोस्तों आप यहां से इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड कलर इस पर्टिकुलर फॉर्म का वो चेंज होता हुआ दिख चुका है, आप चाहें तो कोई दूसरा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें कलर या इसके अलाइनमेंट जो है वो भी, आप वर्टिकल अलाइनमेंट या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ऐसे ऑप्शन भी है जिनको आप यहाँ से बदल करके एक एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था आपके पास ऑप्शन जिसके थ्रू हम लोग फॉर्म को भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डू नॉट सेव, ठीक है। तो वही है फॉर्म जैसा आपने बनाया था, अभी वैसा ही उसी कलर का रह चुका है। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा है, फॉर्म, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म को कैसे एडिट करते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस करी है। इसी टाइप से चलते हैं हम लोग अपनी वापस पीपीटी के पास और यहाँ जाकर के अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑप्शन है आपके पास रिपोर्ट। अब देखिए रिपोर्ट होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये दोस्तों रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ योर डेटाबेस। अगर सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी स्कूल में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस अभी तक जमा नहीं है सपोज, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज प्रिंसिपल ने बोला भाई मुझे ये चेक करना है कितने स्टूडेंट्स की फीस बाकी है, तो हम वहां से क्या करेंगे, वो डेटा उठाएंगे और डेटा जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगा और तो हम लोग उसको जो है वो सपोज उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रिंसिपल को दे सकते हैं, जिससे कि वो उस डेटा के अकॉर्डिंग अपने कुछ एनालिसिस करने के बाद डिसीजन ले सके। तो रिपोर्ट क्या है, सबसे बड़ी बात है प्रिंटेड फॉर्मेट है, रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ योर डेटाबेस।
इसी की तरीके से हम लोग देखेंगे इट इज एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग। आप इसको अच्छे से व्यू कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। प्रिंटिंग में दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप स्टैटिक रिपोर्ट भी बना सकेंगे और डायनामिक रिपोर्ट भी बना सकेंगे। इसी टाइप से इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड फ्रॉम टेबल और क्वेरीज। आप जो डेटा है वो टेबल या क्वेरी में से उठा करके लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। यानी कि किसी पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है, आपको डेटा उठाना है टेबल में से या क्वेरी में से, और उस डेटा को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है? तो रिपोर्ट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ हार्ड कॉपी। जैसा मैं आपसे कह रहा था, ये हार्ड कॉपी में यानी प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेगा। इफ यू नीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटाबेस विद समवन बट डू नॉट वॉन्ट दैट पर्सन टू एक्चुअली वर्क विद योर डेटाबेस। तो आप ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हार्ड कॉपी में प्रिंट करके दे सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा एकदम सेफ रहेगा। रिपोर्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ग्रुप एंड सॉर्ट द डेटा आइटम्स, ठीक है, सिंपल है, दस मेकिंग देम मोर रीडेबल। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे इन बेस अ रिपोर्ट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। एक रिपोर्ट में हम चार चीजें देखेंगे, एक होता है पेज हेडर, दूसरा होता है अपने पास हेडर, थर्ड अपने पास होता है डिटेल्स, और फिर अपने पास होता है पेज फुटर। तो चार चीजें हैं। पेज हेडर क्या होता है? पेज हेडर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट ऑन एवरी पेज, जैसे हेडर होता है, ठीक है। अपन जानते हैं दोस्तों, जैसे वर्ड में या फिर अपन जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हर पेज के ऊपर आप एक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं पेज का हेडर। इसी टाइप से हेडर क्या है? इट कंटेन्स द हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की हेडिंग क्या है। डिटेल्स क्या है? दिस इज वेयर यू प्लेस द कंट्रोल्स, ठीक है, दैट मेक अप द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। यानी कि आपकी रिपोर्ट में आप मेन कंटेंट क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन है। इट डिस्प्लेस द रिकॉर्ड एंड अपीयर बिटवीन हेडर फुटर के बीच में आप यहाँ इसको दिखाते हैं। ऊपर आपको हेडर मिलेगा, नीचे आपको फुटर मिल जाएगा। ऐसे पेज फुटर है, ये वो कंटेंट है जो हर पेज पे आपको दिखता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर्स, ऐसी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो पेज फुटर कहलाती है। दोस्तों इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जा सकते हैं लिब्रे ऑफिस बेस में ही, ठीक है। यहाँ अभी हमने क्या देख रखा था, पहले टेबल थी, अभी अपने पास फॉर्म भी हो गया, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में भी दो ऑप्शन है आपके पास, डिजाइन व्यू और विजार्ड। दोस्तों इसमें भी हम लोग विजार्ड पे क्लिक करेंगे। जब हम विजार्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे रिपोर्ट विजार्ड में। यहाँ आपको दिख रहा है पेज हेडर, डिटेल और पेज फुटर, आपको वही सारे ऑप्शंस जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है आपके पास, जैसे अगर अपन देखें तो यहाँ पर है आपके पास एड फील्ड एम्प्लॉय। आप यहाँ से जो एम्प्लॉय की जो फील्ड है वो आप एड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ वापस आते हैं। टेबल एम्प्लॉय चाहिए कि मार्क्स चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए आपको, मैं सपोज लेता हूँ मार्क्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको अवेलेबल फील्ड्स हैं, आपको रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए, सपोज मैं सारी की सारी लेता हूँ, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टेबुलर फॉर्मेट एज इट इज आपको प्रिंट होकर के मिल जाए। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो डेटा चाहिए, मतलब कंडीशंस वगैरह जो भी आप क्वेरी वगैरह में सेट करते हैं तो उसके हिसाब से भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं करता हूँ नेक्स्ट, जो कि आपके पास है यहाँ पर लेबलिंग फील्ड। आप उसमें क्या क्या लेबल लगाना चाहते हैं, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसमें आप कुछ भी दूसरा लिखेंगे तो वो आ जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट में देखें, डू यू वांट टू ऐड ग्रुपिंग लेवल्स, क्या आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे हिंदी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग। जैसे जनरली क्या होता है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी, जैसे कि सपोज दिल्ली के स्टूडेंट्स कौन कौन है, तो दिल्ली से स्टूडेंट्स जो भी है, तो आप सिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं, ताकि पहले वो वाली सिटी, फिर वो वाली सिटी, फिर वो वाली सिटी, इस टाइप से भी आपके पास कुछ ग्रुपिंग हो सकती है। आप जो भी चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको मिल सकता है, ठीक है, अगर आप ग्रुपिंग करना चाहें तो चूज कर सकते हैं। मैं उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। अगर आप उसमें से भी किसी पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं, आप लाइक रोल नंबर पे सॉर्ट कर सकते हैं। देन दोस्तों आप यहाँ देखेंगे अभी आपको मिल रहा है पेज हेडर, हेडर, डिटेल और फुटर, क्योंकि अब आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट हो रहे हैं। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं, आप इसको किस तरीके से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आपकी रिपोर्ट बनती जाएगी। इसमें भी आप इसको उसका ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या रखना चाह रहे हैं आप वो भी चूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग के टाइम पर आप इसको लैंडस्केप रखना चाह रहे हैं कि पोर्ट्रेट, वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा आप इस फॉर्म का क्या, इसका रिपोर्ट का आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं। जैसे मार्क्स है, आप मार्क्स भी रख सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि है स्टैटिक रिपोर्ट और डायनामिक रिपोर्ट।
तो स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है कि अगर आप ये रिपोर्ट अभी बना रहे हैं और उसके बाद दोस्तों ये 5 दिन बाद आप प्रिंट करेंगे, लेकिन आज से 5 दिन के बीच में कुछ और एंट्री अगर होती है सपोज आपके डेटाबेस में, आपके टेबल में, तो क्या वो भी डेटा आपको दिखाना है या आज जो आपने रिपोर्ट बना दी बस उतना ही डेटा रहे। तो अगर आप स्टैटिक करेंगे तो दोस्तों आपने अभी जो रिपोर्ट बनाई है आज के बाद जब कभी भी आप उसको प्रिंट करेंगे तो रिपोर्ट आपको आज की डेट जितने देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर जनरली क्या चूज करते हैं, डायनामिक रिपोर्ट। ठीक है, डायनामिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या कह रहा है कि अब आपको क्या काम करना है, क्रिएट रिपोर्ट नाउ और मॉडिफाई रिपोर्ट लेआउट। तो अपन तो क्या करेंगे, क्रिएट रिपोर्ट नाउ जैसे ही फिनिश करेंगे दोस्तों, मैंने आपको अभी भी कहा था कि ये जो आप रिपोर्ट बनाते हैं तो इस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट जो प्रिंट अपन करते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग का जो फॉर्मेट है वो आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पर mark.odt के अंदर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आपको ये फाइल बना करके देगा। अभी फिलहाल हमारा डेटा यही था तो ये हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। ठीक है, एडिट डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं आप इसमें एडिट कर सकते हैं। हेडर में आप जो डालना चाहें आप लिख सकते हैं, हेडर की डिटेल है आपके पास, जैसे कि मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर स्कोरशाला। ठीक है, तो अपन यहाँ पर स्कोरशाला लिख देते हैं तो ये आपको हर पेज पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आप पेज जो आपके पास फुटर है, पेज फुटर में भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा था, आपके पास एक हमने रिपोर्ट बना के देख ली है। आई होप दोस्तों आपको रिपोर्ट भी जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने एक फॉर्म बना के देख लिया, रिपोर्ट बना के देख ली, टेबल्स हम लोग पहले देख चुके थे, इस तरीके से बेस का हमारा जो काम था दोस्तों वो अपना काम हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि आगे जाते हुए, मतलब जो बेसिक सी जो चीजें थी जो लिब्रे ऑफिस बेस से रिलेटेड थी दोस्तों, ये सारी चीजें तो हम लोग अभी तक कर चुके हैं। आगे जाते हुए अब हमारे पास एक और नई यूनिट आने वाली होगी दोस्तों। ये जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में दोस्तों ये 12 मार्क्स का आपका पेपर बनता है, मतलब आपके जो 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 12 नंबर तो है आपके पास पर्टिकुलर इस एक यूनिट से ही है। तो इन सारे टॉपिक्स को, इन पिछले वीडियोस को सभी को आप एक बार अच्छे से देखिएगा जरूर। आगे जाते हुए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग को लेकर के, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग के टाइप क्या है। ठीक है, डेटा की एक्सेसिबिलिटीज और ऐसे भी जो है आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं ये आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियोस अगर पसंद आ रहे तो उसको लाइक करना आप नहीं भूलिएगा, और दोस्तों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों आज तो हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं, आई होप ये पूरी की पूरी यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों मिलेंगे हम लोग आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए।